वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। हकीम अहमद गालिब, आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो टिप्स है मोटापे के बारे में, पेट मोटे के बारे में। मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कई आदमियों का पेट इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि जैसे वो पेट उठाए फिरते हैं ऐसा ही महसूस होता है, उनका बाकी जिस्म बिल्कुल नुमाया नहीं होता। चलने फिरने में बहुत ही मुश्किलात पेश आती है, उनकी खूबसूरत मंद पड़ जाती है। लिहाजा ज़रूरी है कि बढ़ा हुआ पेट आप उसका लेवल बराबर करें, इससे 100 बीमारियां जन्म लेती हैं अगर पेट बढ़ा हुआ हो। पेट में गैस भरी रहती है तो इस पेट के साथ साथ इंसान का वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि इसका सदबाब किया जाए, इसका इलाज किया जाए। इलाज इंतहाई आसान, ये समझ लें कि एक टोटकड़ा है, इंतहाई आसान इलाज है, लेकिन ये कम से कम एक दो माह आपने इसको करना है तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे कबल भी हमने नुस्खा अपलोड किया है मोटापे के बारे में, ये भी बहुत ही निराला और बहुत आला नुस्खा है कि इसका अमल करना बिल्कुल ही आसान है। मोहतरम नाज़रीन, आपने ऐसे करना है कि आपने ले लेना है मगज़ जिया पोता। आम आपने बागों में लोगों के घरों में ये पौधा देखा होगा, तो इसकी टहनियाँ उल्टी बजाय ऊपर जाने के नीचे डली हुई होती हैं, तो इसमें डोडियाँ सी लगती हैं, वो जिया पोता होता है। हाँ, अलबत्ता बाज़ार से पंसार स्टोर से भी ये मिल सकता है, सस्ता कदरे सस्ता है, महंगा नहीं है। ये ले लें 250 ग्राम, 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, यह आपकी मर्ज़ी है। उनके मगज़ निकाल कर रख लें, आपने ऐसे करना है। सुबह नहार मुँह 3 मगज़ पानी के साथ खा लें और रात को 4 मगज़ जिया पोता के खा कर ऊपर पानी पी लें। ये अम्बल आपने कम से कम 2-3 माह करना है। इसके इस्तेमाल से आस्ता आस्ता जो बड़ा हुआ पेट है आस्ता आस्ता अपने वापस मुकाम पर चला जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये था बड़े हुए पेट के बारे में, तुंद के बारे में, यानी कि जिनका बहुत ज़्यादा पेट बढ़ जाता है उनके लिए बड़ा कमाल नुस्खा है, बेज़रब है, बेज़रर है। आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कभी नाकामी नहीं होगी, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये आपके फ़ायदे के लिए हमने अपलोड किया है, क्योंकि ये बनाने में इसका कोई चक्कर नहीं, खाली इसके मगज़ निकाल कर रख लें, तो 3 मगज़ सुबह और 4 मगज़ रात को इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से 1-1.5 माह तक 2 माह तक इंशाल्लाह आपका बड़ा हुआ पेट वापस आ जाएगा, आप सेहतमंद और तवाना हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, जिया पोता से कई और बीमारियों का इलाज होता है, यानी कि जिनके स्पर्म कम हों उनके लिए बहुत अला चीज़ है। पस सेल को ये ख़त्म करता है, बल्कि मगलस भी है, मणि को भी ये गढ़ा करता है। लिहाजा ये नुस्खा बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये थी टिप्स, ये था नुस्खा बड़े हुए पेट के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मोहतरम नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि आसान से आसान नुस्खे आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएँ, जिससे आप इस्तफादा हासिल करें। मोहतरम नाज़रीन, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।